हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में भारत की प्रमुख झीलों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उस झील की जिसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। उस झील का नाम है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं वेबनाड झील, जो कि केरल राज्य में है, भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा हमने आपको बताया पुलिकेट झील, जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिस पे श्री हरिकोटा द्वीप है और उसी पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसके अलावा हमने आपको बताया कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा हमने आपको बताया हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। आज हम बात करेंगे लोनार झील की, यानी लोनार लेक की। हम आपको बता दें, ये लोनार लेक आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है लोनार लेक की पिक्चर। इसके अलावा हम आपको बता दें, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा लोनार झील किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जिले में, बुलढाणा जिले में स्थित है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। ऑप्शन हुसैन सागर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और लोनार झील। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोनार झील। आगे, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है, यानी यह एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक इसीलिए है क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने से हुआ था। और इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 मीटर के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बैलिस्टिक चट्टानों से निर्मित है। हम आपको बता दें, यहाँ एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक यानी नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट भी है इस झील के पास। और इस झील का पानी खारा व क्षारीय है। हमने आपको बताया लोनार झील के बारे में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी झील क्रेटर झील है, आपका आंसर होगा लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। और लोनार झील कैसे निर्माण हुआ था, लोनार झील का निर्माण हुआ था उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से। आज के हमारे सेशन में इतना ही, थैंक यू।